नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 का परीक्षा फॉर्म कैसे भरेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने 26 अगस्त से 9 सितंबर तक के आप लोगों को डेट दिया है कि जितने भी छात्र 2024 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं वो अपना परीक्षा फॉर्म भर ले। अगर आपको परीक्षा फॉर्म भरने में कहीं गलती हो जाती है ना, तो आगे चलकर दोस्तों वो सुधार नहीं हो पाएगी, इसलिए हम आपको एक एक स्टेप आपको बताने वाले हैं कि आप कहीं गलती ना करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आप जब जाओगे ना स्कूल में तो आपको ऐसा ही दोस्तों परीक्षा एक फॉर्म मिलेगा, जैसे कि मेरे पास है, ठीक है। मैंने भी दोस्तों एग्जाम दिया था ना, तो मैंने भी परीक्षा फॉर्म भरा था, और परीक्षा फॉर्म भर के और मैंने अपने प्रिंसिपल के पास ले गया था इसको जांच कराने के लिए। तो देख लीजिए, प्रिंसिपल सर ने रेड पेन से मतलब कि टिक लगा दिए थे सब कि हाँ बेटा तुम्हारा सबका सब सही है, ठीक है। और यहाँ पर मुहर भी लगाकर उन्होंने दे दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको उसमें ऑप्शन आएगा आप फर्स्ट में कि आपको कोड ऑफ द कॉलेज यानी कि आपको स्कूल का जो रोल कोड है ना वही आपको भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 42001 है तो मैंने भर दिया। फिर आपको रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा वो आप लोग भर देंगे, एक छोटा सा आपको मतलब ना ऐसा है मतलब कि फाइल आपको एक मिला होगा, ऐसे ही आपको एक पेज मिला होगा, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। फिर दोस्तों आप अपने मतलब ना कॉलेज का नाम लिखिएगा। याद रहे दोस्तों, परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको जितना भी आपको वर्ड भरना होगा ना सब कैपिटल लेटर में, यहाँ पर देख सकते हैं सब का सब मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मेरे को भी प्रिंसिपल सर ने ना पहला मतलब ना भर कर दिखा दिया, तो जैसे ये इस राइटिंग में इस राइटिंग में बहुत फर्क है, तो ये वाला राइटिंग जो है ना वो हमारे प्रिंसिपल सर का है, उन्होंने भर कर बताया था कि बेटा ऐसे ही तुम भर रहे हो, ठीक है। तो सर ने ऐसा भर दिया था राजा सिंह कॉलेज सिवान, ऐसे मतलब कि कॉलेज का नाम लिख दिए थे, और उसके बाद से बोले थे कि अपना नाम लिख लो। तो मैंने देखो अपना नाम लिखा पूरा कैपिटल लेटर में, और बीच में अगर गैप है तो एक मैंने कोठे को छोड़ दिया, फिर मैंने आगे लिखा कुमार, ठीक है। उसके बाद से मैंने अपने पिता का नाम लिखा, ठीक है। पिता का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जेंडर, अगर आप लड़के हैं तो मेल पर टिक लगाइए, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल पर टिक लगाइए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। याद रहे दोस्तों, अगर आपको कैटेगरी नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आप अपने घर में पूछ लीजिएगा कि मेरा कैटेगरी किस में आता है। अगर आप गुप्ता है, कुशवाहा है, तो या फिर यादव है, तो आपका बीसी कहाँ आएगा, तो बीसी टू में आएगा। तो बीसी वन बीसी टू दोस्तों बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये मायने रहता है कि आप किस कास्ट में आएंगे। तो पहले आप कन्फर्म कर लीजिएगा आप बीसी वन में आते हैं या फिर बीसी टू में आते हैं या फिर जनरल में आते हैं या फिर एससी एसटी में आते हैं, ये पहले आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपका जो डिफरेंशियल है ना, तो इसमें आप लोग नो पर टिक लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों आपको आगे जाना है मोबाइल नंबर, तो आप अपना सही मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया आधार नंबर, तो आधार नंबर 12 अंक वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक आप लोग ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा, कोई भी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। एक्चुअली दोस्तों ईमेल आईडी का कोई मतलब जरूरी काम नहीं होता, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों को ईमेल आईडी डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी आपको मैसेज आएगा तो नंबर में अगर कोई गलती हो सकती है ना, तो आपके जीमेल पर चला जाएगा, सब कुछ आपके जीमेल पर ही जाएगा, इसलिए आप जीमेल जरूर डालना, ईमेल आप लोग जरूर डालना, ठीक है ना। अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना, स्टूडेंट कैटेगरी में आएंगे, और यहाँ पर आप लोग रेगुलर पर टिक लगाइएगा, रेगुलर पर टिक लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट है, और मैंने साथ टिक नहीं लगाया, बट छोड़ देना, जाकर आप टीचर से पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक क्लास टेंथ पासिंग बोर्ड नेम, यानी कि दोस्तों आप टेंथ क्लास में किस बोर्ड से पास किए थे उस बोर्ड का नाम लिखना। जैसे मैंने पास किया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, तो मैंने अपने बोर्ड का नाम लिख दिया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, आप लोग भी एकदम सेम टू सेम यही लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों मेरा जो यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक है, यहाँ पर लिखा गया ना और डिटेल्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक वाला जो आपका रिजल्ट है ना उसका आपको डिटेल लिखना है, तो मैंने मैट्रिक का जो रोल कोड था वो डाल दिया और रोल नंबर भी डाल दिया, मैंने किस वर्ष में पास किया था मैट्रिक वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, अब आपको मेन चीज़ यहाँ पर आपको देखना है कि आप अपना सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा दिक्कत आता है सब्जेक्ट चूज करने में। याद रहे दोस्तों, आपको सब्जेक्ट चूज करने में, जैसे कि मान लेते हैं आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप 12th में साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना मतलब ना क्या बोलते हैं उसको सब्जेक्ट अच्छे से चूज करिएगा। तो सबसे पहले जो कंपलसरी होता है ना उसमें आइएगा, यहाँ पर आप अपने कंपलसरी में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपलसरी में दोस्तों मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि अगर आप लोग
साइंस में मैथ मेन मानते हो, तो मैथ मानते हो, तो मैथ में दोस्तों सबसे पहले आप लैंग्वेज में आ जाना, हिंदी इंग्लिश और हिंदी, ये तो सब में रहेगा लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश सब किसी में रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिश पर टिक लगा देना। और अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर टिक लगा दो, ठीक है, आपका हो जाएगा पांच सब्जेक्ट 5 नंबर का। लेकिन अगर कोई लड़का या फिर लड़की बायोलॉजी से लेना चाहता है तो इंग्लिश हिंदी टिक लगाएगा, और वो फिजिक्स पर केमिस्ट्री पर भी टिक लगा देगा, लेकिन वो मैथ पर नहीं टिक लगाएगा, बल्कि यहाँ पर बायोलॉजी पर टिक लगाएगा। अगर वो बायोलॉजी मैन है उसका, तो बायोलॉजी पर टिक लगाएगा। और दोस्तों बायोलॉजी मेन होकर भी वो मैथ को एक्स्ट्रा में लेना चाहता है तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दोस्तों एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया ना एडिशनल, यहाँ पर आप मैथ एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। तो मैथ में एक्स्ट्रा में वही लड़के ले सकते हैं जो मेन बायोलॉजी की है, लेकिन जो लड़के मेन मैथ किए हैं ना वो बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं। अब जो लड़का बायोलॉजी मेन किया ना वो मैथ ले सकता है, लेकिन मेन जो लड़का मेन मैथ किया ना वो बायोलॉजी नहीं ले सकता है, ठीक है ना, तो ये उसके लिए है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आप अपना पूरा फुल एड्रेस लिख दीजिएगा, विलेज कहाँ है पूरा एकदम एड्रेस, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको पिन कोड मिलेगा, आपको पिन कोड भर देना, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हिंदी में आप अपना सिग्नेचर करिएगा, फिर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आप अपना सिग्नेचर करिएगा, फिर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, यानी कि आप अपने घर में आपके बड़े कोई भी गार्जियन होगा, जैसे मम्मी हो गई, चाचा हो गए, या फिर भैया, कोई भी गार्जियन होगा, गार्जियन सिग्नेचर करवा लीजिए। उसके बाद से यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर मेरे प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर फाइनली है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अगर कोई भी मतलब कि दिक्कत आती है ना तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमको यहाँ पर फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको फ़ोन करके भी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ओके।